audio jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने YouTube की वीडियो के लिए किस तरह से इंट्रो बना सकते हैं, वो भी एडोबी आफ्टर इफेक्ट में, तो वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो है, आप अपने किसी भी ब्राउज़र में YouTube ओपन कर लीजिए और YouTube में आपको बहुत सारे फ्री जो है टेम्पलेट मिल जाएंगे। तो आप YouTube के सर्च में आप जो है टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। तो एक टेम्पलेट में सर्च करके देख लेता हूँ, यहाँ टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ सब जो तो दोस्तों यहाँ जब हम सर्च कर रहे हैं तो यहाँ जो है आपको यहाँ दिखता है फ्री इंट्रो टेम्पलेट फॉर आफ्टर इफेक्ट्स। तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और इस तरह से जो है आपको बहुत सारे इंट्रो टेम्पलेट मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज जो है मैं ये इंट्रो टेम्पलेट जो है ये इसके बनाने का मैं बता रहा हूँ। तो ये इंट्रो टेम्पलेट आज हम बनाएंगे। तो सिंपली आप यहाँ देख सकते हैं सारे के सारे जो हैं इसमें जितने भी फ्री इंट्रो टेम्पलेट है जिसे आप यूज कर सकते हैं आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। तो आप कोई सा भी आप देख के जो बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो ये एक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और चलिए इस वीडियो को, ये जो है कुछ इस तरह का इंट्रो जो है आपका बनेगा। चलिए इसको मैं फ़िलहाल पॉज कर लेता हूँ और इसका डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ, तो यहाँ पर जो है आपको इसका टेम्पलेट मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो फाइल है, एक टेम्पलेट का है और दूसरे बाद में दूसरा जो है वो आपको ऑडियो फाइल है। तो ये दोनों को जो है आप डाउनलोड कर लीजिए। तो ये भी चलिए प्रोसेस बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम जो है टेम्पलेट को डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। तो बहुत से केस में ऐसा होता है दोस्तों कि आप लोग जब डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो सीधे डाउनलोड पेज पे नहीं आता है। इसकी वजह ये है कि बहुत सारे जो लिंक देते हैं तो एडफ्लाई या बहुत सारे शॉर्टर लिंक का जो है इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है उसमें से कुछ जो है अर्निंग हो सके। तो इस तरह का अगर पेज आपको ओपन होगा तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 5 सेकंड के बाद में एक स्किप एड का ऑप्शन आएगा। तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों उसके बाद में ये पेज ओपन होगा और थोड़ी देर में अगर आपका डाउनलोड स्टार्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ से क्लिक दिस लिंक पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं, यहां इसको मैं चलिए कैंसिल कर देता हूं और मेरा जो है ये डाउनलोड जो है ये ऑप्शन चालू हो चुका है, यानी कि अब जो है इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूं। तो ये जो फाइल है ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो आप जो है यहां से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और इसको भी कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप जो है यहाँ से सेम उसी तरह जो है ऑडियो फाइल भी जो है डाउनलोड कर लीजिए। तो सेम प्रोसेस रहेगा, इस तरह से ओपन करेंगे तो शायद आपको एक एडवर्टाइजमेंट का पेज आए। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्लीज़ वेट बोल के आ रहा है, तो थोड़े देर वेट कर लें, लगभग 5 सेकंड आपको वेट करने पड़ेंगे। और उसके बाद दोस्तों स्किप क्लिक कर देंगे। तो अगर इस तरह का पेज आ रहा है तो यहाँ क्लिक दिस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप जो है आपका जो है डाउनलोड आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए आ जाएगा। तो मैंने दोनों ही फाइल जो है ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और फिलहाल इसको क्लोज कर लेते हैं, चलिए मिनिमाइज कर लेता हूँ। दोस्तों इसके बाद में जो है मैं आपको अपना जो फाइल है वो दिखा देता हूँ किस तरह से डाउनलोड हुआ है। तो मैं अपने माय कंप्यूटर में जहाँ रखा हूँ वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ ऐसा फ्री इंट्रो टेम्पलेट, तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने जो है कुछ टेम्पलेट फ्री टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड कर रखा है। तो ये है हमारा जो है ये ऑडियो फाइल है।
और ये जो है हमारा इस तरह से जो है ये फाइल है, तो इसको जो है यहाँ से आप यहाँ क्लिक करके यहाँ से एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये, क्योंकि ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, तो इस तरह का जो है फाइल आपको आफ्टर इफेक्ट का जो AI फाइल है वो बन के आ जाएगा इस जगह। तो ये मैं क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं किया हुआ है, तो यहाँ एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ देखें, पहले से बता रहा है कि ऑलरेडी ये फाइल जो है मेरे कंप्यूटर में है, तो मैं इसको रिप्लेस नहीं करूँगा या रीनेम नहीं करूँगा, तो उसको चलिए कैंसिल कर देते हैं। और उसके बाद में इसको जो है मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों ये फाइल जो है डायरेक्ट एडोबी आफ्टर इफेक्ट में जो है ओपन होगा। तो यहाँ से इसको ओपन कर देते हैं और चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो है हमारा एडोबी आफ्टर इफेक्ट में ये फाइल ओपन हो चुका है। तो ये आप टेम्पलेट आप देख सकते हैं। तो ये जो है ये नाम हमको जो है चेंज करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ से ये है ऑडियो फाइल का है, और यहाँ जो आपको नीचे लोगो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो इसको आप डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है डबल क्लिक करते ही आपको यहाँ पर जो इस टेक्स जो है ये लोगो है, तो यहाँ से आपको जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं ये एक PNG इमेज है ना। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करेंगे, दोस्तों अब इसके बाद जो है हम यहाँ से जो है टेक्स के टूल जो है वहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो है हम अपना चैनल का नाम लिख लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ अपने भाई के लिए एक इंट्रो बना रहा हूँ, तो चलिए तो ये है। और उसके बाद यहाँ आप यहाँ जो है यहाँ आएगा सिंबल देख रहे हैं, तो इसको आप लोग कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर जो है कैप लॉक मेरा ऑन है इसलिए इस तरह आ रहा है, तो कैप लॉक ऑफ कर देता हूँ। और तो ये जो है ऑफ हो गया है, चलिए अब यहाँ से मैं इसको इसको डबल क्लिक कर लेते हैं और सफाई। तो दोस्तों ये जो बॉक्स है बॉक्स के अंदर ही हमारा जो भी चैनल का नाम है या जो भी हमने लोगो बनाया है तो उसको इसी के अंदर ही हमको सेट करना है। तो फिलहाल दोस्तों ये हमारा हो गया है। अब यहाँ से यहाँ जो है आप नीचे बहुत सारे आप देख सकते हैं, तो यहाँ मैं रेंडर दिस के ऑप्शन में आ रहा हूँ, तो यहाँ से प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ जो है ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा चैनल का जो नाम है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ से टेक्स्ट में अगर कुछ भी चेंज करना है, चाहे वो कलर हो या कुछ भी हो, तो यहाँ से मैंने जो यहाँ टैगलाइन है यहाँ डबल क्लिक किया था, तो यहाँ जो ये फोल्डर मेरा सॉरी ये पेज ओपन हुआ था, ये फोल्डर ओपन हुआ था, तो यहाँ से जो है मैं जो है कलर चेंज कर सकता हूँ। तो चलिए मोहम्मद का कलर ठीक है, इसका जो कलर है मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से जो मैं क्लिक करके ओके
और यहाँ पर हम वीडियो देख लेते हैं। तो तो इस तरह से जो है दोस्तों, आप यहाँ आप अपना जो भी अगर आपका यहाँ से टैक्स इंटर कर सकते हैं, या फिर आपका अगर कोई लोगो है तो वो लोगो भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना एक लोगो यहाँ रिप्लेस करके आपको दिखा देता हूँ। तो एक इसको, चलिए इसको भी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ चलिए मैं अपना एक कोई लोगो लेता हूँ। तो डेस्कटॉप में आ जाते हैं और यहाँ मेरा ये है। अब इसको जो है मैं यहाँ पर और तो यहाँ से यहाँ क्लिक करके मैं एस बटन पे क्लिक करूँगा तो स्केल आ जाएगा। तो यहाँ से जो है मैं इसका स्केल सेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ स्केल देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये मेरा एक एस का लोगो रिप्लेस हो गया है। तो इस तरह से जो है आप अपने चैनल का नाम या लोगो या कुछ भी जो है आप यहाँ से रिप्लेस करेंगे, और आपका जो मेन जो है मेन कॉम्पोजिशन जो मैंने होगा जहाँ जिससे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ आप अपना फाइनल प्रीव्यू जो भी है वो देख सकते हैं। तो यहाँ जो है ये जो सब्सक्राइब नाउ का आ रहा है, इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है, तो यहाँ जो टैगलाइन का ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं सब्सक्राइब नाउ है। तो यहाँ अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इसको डबल क्लिक कीजिए और इसको कैंसिल करके उसके बाद में जो है यहाँ आप अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं चलिए लिख देता हूँ, और चाहे तो इसका जो है साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से जो है आप चाहें तो जो भी आपका एडजस्टमेंट है यहाँ आप यहाँ कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ जो है आप रिव्यू देख सकते हैं। ठीक है, और जो है तो थोड़ा ऊपर, तो देखिए वहाँ मैं सेट कर रहा हूँ, मैं इस तरह कर रहा हूँ। दोस्तों इस तरह से जो है अपना इंट्रो जब रेडी हो गया, मैं आपको यहाँ से प्रीव्यू नहीं दिखा सकता क्योंकि सिस्टम जो है काफ़ी मेरा स्लो है, और मैंने कैमरा स्क्रीन रिकॉर्डर भी जो है ऑन कर रखा है, तो ये इसको रिव्यू करने में बहुत टाइम लेता है। तो चलिए इसको जो है मैं आपको एक्सपोर्ट का प्रोसेस बता देता हूँ। इससे पहले जो है मैं अपने जो भाई के लिए बना रहा था तो उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, और उसके बाद में ये वाइट में है। तो इसको भी यहाँ से चलिए
दोस्तों ये जो है हमारा प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ से जो है ये फोल्डर में हम जो रेंडर दिख रहा है यहाँ पर हमने क्लिक किया है, और उसके बाद में यहाँ ऊपर आप कॉम्पोजिशन का ऑप्शन देख रहे हैं। यहाँ से कॉम्पोजिशन के ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ से ऐड टू रेंडर क्यू में क्लिक कीजिए, तो यहाँ आपका रेंडर ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से जो है हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ हम जो है फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जो है कुछ फॉर्मेट अवेलेबल है, AVI है, तो मैं जो है यहाँ से कुछ टाइम जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फॉर्मेट में यहाँ से जो है यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ जब क्लिक करेंगे तो यहाँ जो है इसमें से H जो है ये H264 जो है ये आपको जो मिनिमम रेजोल्यूशन में जो मिनिमम MB में जो है आपको अच्छी क्वालिटी का जो है वीडियो जो है एक्सपोर्ट होता है, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। और आप अगर Adobe Acrobat यूज़ कर रहे हैं और आपको ये ऑप्शन नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि किस तरह से जो है ये फॉर्मेट आप जो है ला सकते हैं आपके Adobe Acrobat में। तो चलिए सिलेक्ट हो गया है, यहाँ से मैं ओके और यहाँ भी ओके कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ जो है आउटपुट टू, तो यहाँ से आप किस जगह में इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ जो है आपका जो भी है इंट्रो का जो भी है फाइल का नाम जो है आप वो यहाँ लिख सकते हैं। तो चलिए तो ये हो गया, इसको मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ रेंडर पे क्लिक कर देंगे, तो ये थोड़ा टाइम लेगा और हमारा जो इंट्रो है वो रेंडर हो जाएगा कुछ देर में। तो दोस्तों ये फाइनली जो है हमारा रेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो इसके चलो मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ, और यहाँ सेव क्लिक रहे तो इसको हम सेव नहीं करते हैं, तो नॉन सेव में क्लिक करके तो क्लोज कर लेता हूँ। और चलिए हम अपना फाइनल जो इंट्रो बना है वो देख लेते हैं। तो ये हमारा है, इसको तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा इंट्रो बन चुका है Adobe Acrobat में। तो दोस्तों आपको YouTube में इस तरह की बहुत सारे फ्री इंट्रो टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, और आपको करना बस वही है कि आपको कहाँ से आपको टेक्स्ट चेंज करना है, कहाँ से आपको लोगो चेंज करना है, वो आपको आइडिया होना चाहिए, और आप जो है अपना खुद का जो है इंट्रो टेम्पलेट जो है फ्री टेम्पलेट यूज़ करके अपना YouTube वीडियो के लिए इंट्रो बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतने ही। इसमें एक चीज़ जो है मैं शायद बताना आपको भूल गया कि इसमें ऑडियो, तो जो ऑडियो फाइल हमने डाउनलोड किया था तो जल्दबाजी में मैं आपको वो करना बताना भूल गया कि ऑडियो फाइल भी जो है हम वहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो वहाँ जो ऑडियो का फाइल है उस जगह में जो है आप ऑडियो डाल के उसको कर सकते हैं, तो वो चीज़ एक रह गया, तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतने ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आगे आप भी चाहते हैं कि Adobe Acrobat से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स वीडियो मैं डालूँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं Adobe Acrobat ट्यूटोरियल के लिए। और साथ ही साथ आने वाले टाइम में जो है काइनमास्टर ट्यूटोरियल भी चलता रहेगा और वीडियो भी चलता रहेगा। तो बस इतने ही आज की वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।